नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, जिला झालावाड़। हम पढ़ रहे थे केशवदास जी की रामचंद्रिका से लिए गए प्रमुख अंशों के बारे में। कोटा विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष में रीतिकालीन कवियों को हिंदी साहित्य में शामिल किया गया है। इनमें से जो प्रथम अध्याय हैं केशवदास, उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के कुछ अंशों को संकलित किया गया है। उन्हीं संकलित अंशों में से हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड के बारे में, जो रामचंद्रिका का अंश है। सुंदरकांड, इसमें सीता दर्शन से संबंधित पद्यांशों का अर्थ हमने कर लिया है। आज हम करेंगे सीता हनुमान संवाद विषय पर चर्चा। सीता हनुमान संवाद, ये सुंदरकांड का प्रसंग है। पद्यांश स्क्रीन पर हैं। कर जोरी कयो हो पवन पूत, जिए जननी जानू रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अज तनय चंद। यह पद्यांश रामचंद्रिका के सुंदरकांड से लिया गया है, केशवदास जी द्वारा प्रणीत हैं। और प्रसंग सीता और हनुमान के बीच हुए संवाद से संबंधित हैं। जब रावण सीता जी का हरण करके लंका ले जाता है और उन्हें अशोक वाटिका में रख देता है, तो पीछे हनुमान जी सीता को ढूंढते हुए अशोक वाटिका में आ जाते हैं और देखते हैं सीता जी चिंताग्रस्त हैं, अवसादग्रस्त हैं, राम नाम का ध्यान करती हुई दुखी प्रतीत हो रही हैं। तब राक्षसियों के हटने के बाद मौका देखकर हनुमान जी सीता जी के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और सीता जी से वो जो संवाद करते हैं उसी का प्रसंग यहाँ लिया गया है। तो हनुमान जी इसमें कह रहे हैं कर जोरी कयो, कर हाथ जोरी जोड़कर, कयो यानी कहा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा हूँ पवनपूत, मैं पवनपूत पवनपुत्र हूँ, पवनपुत्र हनुमान। जिए जननी जानू रघुनाथ दूत, जननी माता, हे माता आप अपने हृदय में जान लो, जिए यानी हृदय में, जानू जान लो रघुनाथ दूत, रघुनाथ का दूत। आप मुझे रघुनाथ राम का दूत मानिए, आप अपने हृदय में जान लो कि मैं रघुनाथ का दूत हूँ, यानी रघुनाथ ने मुझे आपके पास भेजा है। रघुनाथ कौन? तब सीता जी पूछती हैं कि रघुनाथ कौन, ये रघुनाथ कौन है? दशरथ नंद। तब हनुमान जी जवाब देते हैं कि रघुनाथ जी यानी राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ कौन? तब सीता जी फिर प्रश्न पूछती हैं कि दशरथ कौन है। अब सीता जी यहाँ बार बार इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि उन्हें ये शंका है कि हो सकता है ये हनुमान के वेश में कोई राक्षस हो
जो उनकी परीक्षा लेने आया हो, इसीलिए वो अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रही हैं। वो निश्चित कर लेना चाहती हैं कि वास्तव में ही ये राम का दूत हैं या कोई राक्षस हैं, इसलिए ऐसा संशय यहाँ प्रकट कर रही हैं कि दशरथ कौन है। अज तनय चंद, तब हनुमान जी जवाब दे रहे हैं कि अज के पुत्र हैं दशरथ। अज तनय, अज के तनय, राजा अज के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र रघुनाथ यानी राम का मैं दूत हूँ और उन्होंने मुझे भेजा है आपकी खोज में। तो इस प्रकार इस छंद में कवि केशवदास ने जो संवाद प्रस्तुत किए हैं बहुत ही स्वाभाविक और वास्तविक लगते हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं। संवाद छोटे छोटे हैं और प्रश्नोत्तर शैली में ये संवाद प्रस्तुत किए हैं। भाषा ब्रज हैं, साहित्यिक हैं। आगे इसके आगे का छंद जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित किया है वो इसी से आगे का प्रसंग है, यानी सीता हनुमान का संवाद का जो पूर्व प्रसंग था उसी से अगला छंद, उसी से आगे का प्रसंग है। केही कारण पठे यही निकेत, निज देन लेन संदेश हेतु, गुण रूप सील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। अब इसमें प्रसंग वही है, सीता और राम के बीच, सीता और हनुमान के बीच संवाद चल रहा है। सीता जी निश्चय कर लेना चाहती हैं कि जो रघुनाथ दूत या पवन पुत्र आया है कि वास्तव में वही है या कोई राक्षस है, उसी से संबंधित ये प्रसंग चल रहा है। के ही कारण पठे यही निकेत, अब सीता जी हनुमान से फिर पूछ रही हैं कि किस कारण से पठे, पठे यानी भेजना, किस कारण से भेजा है यही निकेत इसी घर में, निकेत यानी घर, यहीं पर आपको क्यों भेजा है, किस कारण से आपको यहाँ भेजा है रघुनाथ ने, जिस रघुनाथ के आप दूत हो तो रघुनाथ ने आपको यहीं क्यों भेजा। निज देन लेन संदेश हेतु, निज यानी स्वयं का देने के लिए और वापस आपसे लेने के लिए संदेश, यानी अपना संदेश उन्होंने भेजा है आपको देने के लिए और आपका संदेश, आपसे संदेश लेने के लिए मुझे भेजा है। तब इसके बाद सीता जी फिर पूछ रही है, गुण रूप सील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। अब फिर सीता जी पूछती हैं, अभी भी निश्चय करना चाहती हैं इसलिए वापस जिज्ञासा प्रकट कर रही हैं, गुण रूप शील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। तो जिस रघुपति ने आपको भेजा है तो आप उस रघुपति के, उस राम के कोई गुण, उनका रूप, उनके शील गुण जो हैं, उनकी शोभा या उनके स्वभाव के बारे में कुछ लक्षण बताइए, उनके बारे में कुछ बताइए कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे उनके गुण हैं, कैसा, कैसी शोभा है, कैसे शील उनमें हैं, कैसा स्वभाव है उनका, आप उनके बारे में मुझे कुछ लक्षण उनके बताइए। ऐसा इसीलिए पूछती हैं कि वो निश्चय कर लेना चाहती हैं या वास्तविकता का ज्ञान लेना चाहती हैं, सच्चाई जानना चाहती हैं कि वास्तव में जो पवन पुत्र आया है वो रघुपति जी के ही दूत हैं या कोई और हैं। इसमें भी संवाद शैली हैं, छोटे संवाद, प्रश्नोत्तर शैली में
बड़े ही व्यंग्यात्मक स्वाभाविक हैं, वास्तविक से लगते हैं। केशव दास जी की रामचंद्रिका के जो संवाद हैं, उनकी संवाद योजना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही हैं। संवाद योजना में केशव दास सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि हैं, जो इन छंदों को पढ़ने से पता भी चलता है कि वास्तव में उनके संवाद योजना जो हैं बिल्कुल वास्तविक, स्वाभाविक और प्रभावकारी हैं। साहित्यिक ब्रजभाषा हैं, प्रश्नोत्तर शैली हैं। इसके आगे के छंदों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।